भराकुल समर्थ हो, मालवा के महाराज पृथ्वी वल्लभ पधारे। लेकर आओ। यही सोच रहे हैं ना कि राजकुमारी मृणाल ने मेरे पिता की हत्या की तो फिर वो हमारे संरक्षण में क्यों, कैद में क्यों नहीं? सत्य कहा आपने, शत्रु राज्य संरक्षण नहीं देता, षड्यंत्र करता है। हमें आपकी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं। शत्रु या मित्र तो मानने पर होता है थैलब राज। राजकुमारी मृणाल ने मेरे पिता की हत्या नहीं की, किंतु मेरी पिता की हत्या का कारण द्वेषी बना। द्वेष सदैव विनाश ही करता है तैलब राज। मैं आपके समक्ष इस द्वेष को सदा के लिए समाप्त करने की उम्मीद लेकर आया हूं। हम कैसे समझ लें कि आप सत्य कह रहे हैं? एक बार फिर आपका ये कोई छल नहीं। मैं आपके समक्ष आप ही के शिविर में निहत था। कोई षड्यंत्र करना होता तो इस प्रकार नहीं आता। और आप इस बात से भली भांति परिचित भी हैं कि मालवा वर्षों से मान्यखेड़ से संधि करने का प्रयास कर रहा है, किंतु हर प्रयास निरर्थक। मैं चाहता हूं कि आप राजकुमारी मृणाल को एक बार पुनः समझाएं कि मालवा इस द्वेष को समाप्त कर संधि करना चाहता है। कैसे कर लें आपसे संधि? कैसे कर दें आपको क्षमा पीड़ा की जिस अग्नि में हम तप तप कर बड़े हुए हैं, उसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने अपने माता पिता की मृत्यु, अपनी बहन का भावना शून्य होना देखा है। अक्का को तड़प तड़प कर तिल तिल कर मरते देखा है। मालवा हमारे लिए केवल मानसिक यातनाओं का, हमारे लिए हमारे माता पिता की मृत्यु का पर्याय है। इस मालवा ने हमें बचपन में ही अनाथ कर दिया, उसके लिए हमारा हृदय कैसे द्रवित हो सकता है? हृदय ही क्या, हमारा विवेक भी हमसे यही कहता है। मालवा पे भरोसा मत करना। मालवा को क्षमा करना असंभव है पृथ्वी वल्लभ। समझता हूं आपकी भावनाओं को। पिता तो मैंने भी खोया है, अतीत में जो घटा यदि उसे बदल सकता अवश्य बदल देता। मैं मालवा सम्राट पृथ्वी वल्लभ मान्यखेट के महाराज दैलब राज के समक्ष मित्रता और संधि का प्रस्ताव रखता हूं और आपको हमारे अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं। कीड़े मकोड़े भी दिवाली के दिनों में आते हैं, और तुम लोग
कभी भाई कभी बहन, कब तक तुम लोग हमारे हाथों से पराजित होते रहोगे? महीनों से आप पृथ्वी के साथ जंगल और महलों में घूम रहे हैं, अभी तक आपकी मर्यादा सुरक्षित है क्यों? तुम मालवा नरेश के पांव फोगे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक है। मान्यखेत तो प्रतीत नहीं हो रहा। ये मालवा है अक्का, किंतु हम सुरक्षित हैं। तो फिर हम सुरक्षित कैसे हुए तैलब? तैलब, अगर तुम यहाँ आ चुके थे तो तुमने हमें यहाँ से निकाला क्यों नहीं? आप पहले शांत हो जाइए, हम दोनों सकुशल मान्यखेत वापस लौटेंगे। तो पहले आपका स्वास्थ्य थोड़ा लंबी यात्रा के लिए अनुकूल हो जाए। तुम यहाँ हमारा स्वास्थ्य अनुकूल करने आए हो तैलब? तुम भूल रहे हो कि ये शत्रु राज्य है और यहाँ पानी की एक बूंद पीना भी हमारे लिए अपमानजनक है, और तुम हमारे स्वास्थ्य ठीक होने की प्रतीक्षा करने की बात कर रहे हो। अका, मालवा शत्रु राज्य था, अब नहीं है। पृथ्वी वल्लभ ने हमारे समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा है, वो सुलह चाहता है, और हमें लगता है कि हमें संधि प्रस्ताव सुलह सब झूठ है, एक नाटक है, षड्यंत्र है ये पृथ्वी वल्लभ का। तुम इस षड्यंत्र के शिकार बन चुके हो, अन्यथा हमारे सामने ये व्यर्थ का प्रलाप नहीं कर रहे होते। तैलब, तुम इन लोगों की बातों के सम्मोहन में आ चुके हो और मति भ्रष्ट हो चुकी है तुम्हारी। क्या तुम अब तक इन लोगों के दोहरे चरित्र को नहीं समझ पाए हो तैलब? हमें यहाँ पे बंधी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ एक विशिष्ट अतिथि की तरह लाया गया है। अक्का, मान्यखेत और मालवा की शत्रुता पे विराम लगा दीजिए। विराम? इस प्रतिशोध पर विराम तो अवश्य लगेगा तैलब, किंतु हमारी मृत्यु के उपरांत। तैलब, प्रतिशोध पर कभी विराम नहीं लगता, लगता है जीवन पर। राजकुमारी मृणाल, मेरे छोटे भाई सिंधु ने आप दोनों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, उसके लिए करबद्ध क्षमा चाहता हूं। एक विनम्र आग्रह आपसे, मालवा राज्य की ओर से जो भूल हुई है उसे सुधारने का एक अवसर अवश्य दीजिएगा। बंद करो ये ढोंग। भूल? हमारे साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ उसे आप भूल कह रहे हैं? विश्वासघात करना और फिर क्षमा याचना मांगने का ये ढोंग बंद कीजिए। क्या मालवा में इस तरह का ढोंग रचना संस्कार का रूप ले चुका है? पहले आपके पिता सिंहदंत ने हमारे पूरे परिवार की हत्या कर दी और आजीवन हमारे सामने पश्चाताप और क्षमा याचना का ढोंग रचते रहे, और आपने तो भेष बदल बदल कर कभी डाकू तो कभी राजकुमार बनकर हमें छला, फिर आपका छोटा भाई सिंधु, उसने तो सारी सीमाएं पार कर दी हमें अपमानित करने की, और
एक बार फिर आप निर्लज्ज होकर हमसे क्षमा मांगने का ढोंग रच रहे हैं। निर्लज्जता की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं मालवा राज्य ने। चले जाइए यहाँ से इससे पहले कि हमारी सहन शक्ति की सारी सीमाएं टूट जाए। आपका संभालिए अपने आप को। पृथ्वी वल्लभ आप चाहिए नहीं है इस विषय पर बात। लेकिन मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। आपके दर्द का अनुमान है मुझे। छोड़ो हमें। अब समझ में आया अनुमान लगाने में और दर्द को सहने में बहुत अंतर होता है पृथ्वी वल्लभ। से मित्रता की है मृणाल और हम उस मित्रता का मान भी रखते हैं। हम आज भी आपकी मित्रता को अपना सौभाग्य मानते हैं। परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी मित्रता को भूल गई हैं। आपने जो पृथ्वी के साथ पल बिताए थे क्या वो भी भूल गई हैं? मित्रता की आप बात कर रही हैं राजकुमारी अमरूषा, उसकी जड़ें शत्रुता ने इस कदर जकड़ रखी हैं कि मालवा और मान्यखेत के बीच मित्रता का पौधा कभी नहीं पनप सकता। शत्रुता और मित्रता के इस खेल को समझने के लिए अभी आपको बहुत से अनुभवों की आवश्यकता है। हम समझ सकते हैं मृणाल, परंतु शत्रुता के जड़े चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मित्रता का साथ उसकी करवाहट को कम कर सकता है। बस आवश्यकता है मौका देने की। जब तक मृणाल जीवित है ऐसा कभी नहीं होगा। अपना समय व्यर्थ ना गवाइए मृणाल।